नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड 2020। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 28 मार्च 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और बात करेंगे आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अगर सब कुछ सही होता तो दोस्तों आज आपका पेपर तृतीय सेमेस्टर का भी समाप्त हो जाता। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर की तारीख रखी गई थी 23 मार्च से लेके 25 मार्च, ये प्रथम सेमेस्टर, और 26 से लेके दोस्तों 28 मार्च, ये तृतीय सेमेस्टर। ठीक है ना? तो कुछ बातें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। अगर नौकरी पानी है तो कुछ बातों का रखना होगा आपको ध्यान। देखिए दोस्तों, अब जो वैकेंसी आती है उसमें काफी कम पद आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पोस्ट काफी कम आती है। आपको बता दें, अभी आपकी बीईओ की एक भर्ती आई थी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, इसमें दोस्तों टोटल 309 पद है। 309 पदों के लिए दोस्तों 5 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया, 5 लाख से अधिक, है ना? अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, इस समय दोस्तों हजारों छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दिन भर वो कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए न्यूज चैनल देखते रहते हैं सुबह से शाम तक। हम ये नहीं कहते दोस्तों आप ना देखें, लेकिन हाँ, अगर आप इस समय पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपके लिए क्या दिक्कतें हो सकती है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे बीईओ की वैकेंसी है, इसमें सिर्फ 309 लोगों को ही नौकरी मिलेगी। आपको क्या लगता है, 5 के 5 लाख सभी छात्र दोस्तों कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? जी नहीं दोस्तों, इसमें से कम से कम हजारों छात्र ऐसे आज होंगे जरूर जो दोस्तों इस 309 पदों के लिए अभी भी लगे होंगे, डटे होंगे मैदान में, तो नौकरी उन्हीं को मिलती है। ठीक है ना? अगर देखिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द नौकरी मिले और आप टीईटी की परीक्षा आसानी से पास कर जाएं। जी हाँ दोस्तों, यूपीटेट या सीटेट की परीक्षा आपको क्रैक करना पड़ता है, मल लाने होते हैं, तो कुछ विषयों को दोस्तों आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं तो अभी से दोस्तों आप बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो 30 नंबर दोस्तों आपको यूपीटेट में लिख के ले लीजिए, मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप गणित की तैयारी करेंगे, हिंदी की करेंगे, अंग्रेजी या संस्कृत। देखिए दोस्तों, आप अंग्रेजी या संस्कृत में से दोस्तों आपको किसी एक विषय को चुनना पड़ता है, और प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों जो आपको अंग्रेजी मिलेगी वो सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर में देखिए आपको सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश मिलती है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपको संस्कृत मिलता है। ठीक है ना? 30 नंबर दोस्तों आप यहाँ से ला सकते हैं, 30 नंबर आपके गणित से मिलेंगे, 30 नंबर हिंदी के। लेकिन दोस्तों जो आपका हिंदी का सिलेबस होता है वो 4 सेमेस्टर का देखा जाता है, उसके बाद दोस्तों गणित का भी 4 सेमेस्टर देखा जाता है और अंग्रेजी का भी 4, या संस्कृत भी दोस्तों 4 सेमेस्टर आप जोड़ के एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप कहीं दोस्तों गलती तो नहीं कर रहे हैं? काफी बच्चे इस समय ऐसे होंगे जो आप प्रथम सेमेस्टर के हों या थर्ड सेमेस्टर के हों तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसी समय पर काफी छात्र मौके पर चौका मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास रोज हजारों मैसेजेस आते हैं, सभी बच्चे ये मैसेज करते हैं, सर सिलेबस बताइए कैसे पढ़ाई करनी है, गणित का दोस्तों वीडियोस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो काफी छात्र दोस्तों ऐसे ही होंगे जो सिर्फ कोरोना वायरस के अपडेट्स को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट जानना बहुत ही जरूरी है कि दोस्तों दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप घर पर रहते हैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट उनके लिए जरूरत होती है दोस्तों जो नियम और कानून को तोड़ते हैं, घर से बाहर निकलना है। अगर आज आप घर में सुरक्षित है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको कुछ बातें और बता देते हैं कोरोना वायरस के, आप लोग बहुत अपडेट्स लेते हैं तो आपको अपडेट एक और हम दे रहे हैं। देखिए कोरोना वायरस, विदेश से लौटे 15 लाख यात्रियों पर रखी जा रही है नजर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में 15 लाख यात्री विदेश से आए हैं। 15 लाख का 1% आपको पता है कितना होता है? अगर मान लेते 15 के 15 लाख को कोरोना ना हो, अगर 1% को भी दोस्तों होगा तो वो 15,000 होगी उनकी संख्या, 15,000। 10% दोस्तों 1.5 लाख हो जाएगी, और 100% 15 लाख। इस अपडेट को जरा आप देखिए। देखिए अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पर दोस्तों लोगों का विदेश से आना जाना लगा रहता है, या दोस्तों वो जनवरी से लेकर अभी तक अगर आपके घर के आस पड़ोस में कोई भी आया हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जनवरी 2020 से लेके आज 28 मार्च 2020 से पहले या इस बीच में कोई भी विदेशों से दौरा करके आया हो तो आपको उससे रहना है सावधान। सारी अपडेट हम देंगे आपको। देखिए पढ़ाई की भी बातें होंगी, कोरोना की भी बातें होंगी, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि इस समय दोस्तों पूरा दुनिया या पूरा देश इसी से परेशान है। इसकी अपडेट हम दिखाते हैं आपको, क्या अपडेट है। पहले कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार लगातार कड़े से कड़े कदम उठा रही है। पहले देश भर में लॉकडाउन लागू करने के बाद अब 15 लाख लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्य सरकारों से 18 जनवरी और 23 मार्च के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भारत में प्रवेश करने वालों की निगरानी को तत्काल सख्त करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर 18 जनवरी से लेकर दोस्तों 23 मार्च तक जिन्होंने फ्लाइट की दोस्तों टिकट की, मतलब विदेश से भारत आए, उन पर सख्त नजर रखने की बात कही जा रही है। लेकिन दोस्तों अब तक सरकार कहाँ थी, ये बात सोचिए आप। अगर दोस्तों उनमें कोरोना वायरस होगा तो क्या होगा, आपको बताते हैं अमेरिका की हालत क्या है आज, पता है आपको? तो जरा दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इस समय
अमेरिका में क्या हो रहा है, यूएसए, जी हाँ दोस्त, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 1 लाख से अधिक मामले दोस्तों अमेरिका में आ चुके हैं, एक एक दिन में 398 लोग मर रहे हैं, समझिए दोस्तों हो क्या रहा है दुनिया भर में। इटली में दोस्तों क्या हो रहा है, एक एक दिन में 919 लोग एक दिन में उनकी जाने जा रही है, ठीक है ना, और एक एक दिन में दोस्तों लगभग 5,909 केसेस आ रहे हैं। अमेरिका में एक एक दिन में 18,000 केसेस आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका में एक दिन में जांच बहुत ही ज्यादा लोगों की हो रही है, 18,000 लोगों का दोस्तों एक दिन में पुष्टि होना मतलब साफ है कि सरकार बहुत तेजी से वहां काम कर रही है। तो अब हमें दोस्तों काफी चीजें यहाँ सीखनी पड़ेंगी, जो ये लोग आए हैं विदेशों से, अमेरिका से घूम के आए होंगे, ठीक है ना, लोग जाते कहाँ पर है आपको पता ना, लोग कहते हैं हम अमेरिका जा रहे घूमने, इटली जा रहे हैं घूमने, चाइना तो चले ठीक है नहीं गए होंगे बीच में ज्यादा, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे जगह है, स्विट्जरलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। उसके बाद सारी अपडेट्स को हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि 2 महीनों में 15 लाख से ज्यादा लोग विदेश से भारत आए, और कोविड-19 को लेकर जिन लोगों की निगरानी की जा रही है उनकी संख्या में अंतर प्रतीत होता है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गौबा ने कहा कि विदेश से लौटे सभी यात्रियों की निगरानी में अंतर या कमी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने की सरकार की कोशिशों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अन्य देशों से लौटने वाले लोगों में कई कोरोना वायरस से संक्रमित भी मिले हैं। उन्होंने पत्र में कहा, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 18 जनवरी 2020 से हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच का काम शुरू किया है। मुझे बताया गया है कि 23 मार्च 2020 तक आव्रजन ब्यूरो के ब्यौरे के अनुसार 15 लाख से अधिक विदेशों से आने वाले यात्रियों की कोविड-19 के संक्रमण को लेकर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निगरानी को कहा गया। बता दें कि भारत में 800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अभी दोस्तों देश में 748 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। हो सकता है दोस्तों जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक इसके आंकड़े में चेंजेस आ जाएं, बढ़ जाएं। कोरोना वायरस के 67 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा दुनिया भर में 5 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस काफी खतरनाक तो है, लेकिन सिर्फ खतरनाक उनके लिए ना जो घर से बाहर निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वो आपके घर में कोई भी घर से बाहर निकलता है, आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, पापा मम्मी, कोई भी मत निकलने दीजिए इस समय। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन आप घर पर रहिए, और निकले दोस्तों तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकले। जी हाँ दोस्तों, हैंड ग्लव्स होने चाहिए और मास्क होना चाहिए। देखिए होता है क्या ना, मास्क लगा कर जाता है, और याद रखिए जब आप घर में इंटर करें तो दोस्तों आप तुरंत ही अपने कपड़ों को निकाल कर बाहर ही रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसे घर में लाने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसको पहले धुलाइए कपड़ों को, उसके बाद ही वो घर कपड़े घर में आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके कपड़ों के थ्रू भी कोरोना वायरस आपके घर के अंदर इंटर हो सकता है। तो अगर आपको दोस्तों अपनी लाइफ की थोड़ी सी भी फिक्र है ना, या अपने घर वालों की, तो आप पहली बात तो घर से ही मत निकलिएगा। अगर आप निकलते भी हैं तो काफी दोस्तों नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। ये दोस्तों वायरस बहुत ही खतरनाक है, इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि दोस्तों दुनिया के जो सबसे पावरफुल देशों में एक अमेरिका में आज 1 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सोचते हैं ना कि कुछ लोग होता है कि अमेरिका में काफी लोग केयर वाले होते हैं कि हाँ वो पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, वहां देखिए आपको पता होगा ना एजुकेशन ये सब बहुत हाई है अमेरिका में, लेकिन दोस्तों जब सोचिए कि अमेरिका जैसा देश कोरोना के कहर से नहीं बच पा रहा है तो हमारा क्या होगा। ठीक है, अगर हमारी सावधानी इसी में है कि हम घर से ना निकले, हम आसानी से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमें पढ़ाई करते रहना। जी हाँ दोस्तों, हमने मौके पर चौका आपको क्यों बोला पता है, इस समय जो छात्र पढ़ाई नहीं करेंगे, आने वाले समय में आपके समय जब वैकेंसी आएंगे, हम आपको बता दें अभी दोस्तों एक वैकेंसी आने वाली है जिसमें 4,500 पद होने वाले, 4,500 पद। इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, 4,500 वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन क्या सच्चाई क्या है इसमें, इसमें दोस्तों सच्चाई ऐसी होने वाली कि इसमें लगभग 10 लाख छात्र आवेदन करेंगे, 10 लाख में से 4,500 ही, मतलब 4,500 ही छात्रों को नौकरी मिलेगी। तो क्या 10 लाख में से दोस्तों 4,500 बच्चे आज पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? कर रहे हैं दोस्तों, डेफिनेटली कर रहे हैं। हमें दोस्तों काफी बच्चों के मैसेजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे परेशान है, वो मैथ कैसे अच्छी करें, अंग्रेजी कैसे अच्छी करें, संस्कृत में कैसे ध्यान दें, वो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग सिर्फ कोरोना वायरस की ही अपडेट्स को देख रहे हैं, या दोस्तों और सिर्फ टाइम पास चल रहा है, मस्ती चल रही है, तो मस्ती सही है अपनी जगह, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका जो नौकरी पाना हो जाएगा ना, वो आपका एक सपना हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसियां काफी कम आती हैं। वो पहले वाला जमाना गया दोस्तों, जब आपको पता होगा कि इस समय जो एक वैकेंसी आपकी कोर्ट में पेंडिंग चल रही है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती है, सबसे बड़ी वैकेंसी, मतलब इसमें 69,000 बच्चों को नौकरी मिलनी है। तो अब इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों कभी नहीं आने वाली, ये बात आप अच्छे से लिख कर रख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये वैकेंसी इसलिए आई थी क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था, 1,37,000 शिक्षा मित्र,
तो दोस्तों उनके समायोजन को कंप्लीट करने के लिए 68,500 प्लस 68,500 दो वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन दोस्तों दोबारा जो 68,500 वैकेंसी आ रही थी इसमें सरकार ने 500 वैकेंसियों को और ऐड कर दिया, तो ये 69,000 बन जाती है। तो बस ये बात आप समझ लीजिए कि ये वैकेंसी क्यों आई थी, कि शिक्षा मित्रों का जो समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, तो उतने पदों को दोस्तों भरने के लिए ये वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। तो आपके टाइम में दोस्तों जो वैकेंसी आएंगी वो ऐसे ही आएंगी, जो जैसे 4,500 हो गए, 4,500 पदों पर शिक्षक भर्ती, या दोस्तों कुछ ना कुछ देखिए, जैसे भी आपका हमने बताया कि बीईओ के लिए दोस्तों कितने पद आए थे आपके, 309 पद आए थे, जिसमें से 5 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया। सोचिए 309 पदों के लिए 5 लाख छात्र आवेदन कर जाते हैं, तो सोचिए हो क्या रहा दुनिया में, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों जब वैकेंसी कम होती है, अगर आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे तो अपने आप को रोज समय दीजिए, कम से कम एटलीस्ट 3 घंटे आप पढ़िए। 24 घंटे आप घर में रहते हैं तो आपको एक आपका फर्ज भी बनता है कम से कम 4 से 5 घंटे। जी हाँ दोस्तों, कम से कम कोशिश करिए 5 घंटे आप पढ़ने की, बाकी 19 घंटे आप मौज मस्ती करिए, जो करना हो कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहेंगे तो दोस्तों आपका नौकरी का सफर आसान रहेगा, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में नौकरी को भूल जाइए, क्योंकि दोस्तों जो ये समय आपका बीत रहा है ना, अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपका तो एक होता है जो लय होती है ना, जो स्पीड से आप पढ़ाई करते हो तो वो छूट जाती है, उसके बाद सब कुछ छूटता है। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि आपका प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का पेपर कब से होगा। देखिए जो आपके पेपर की तारीख को लेकर दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, जब अनाउंस होगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप एक बात समझ लीजिए, जब तक भारत में कोरोना के दोस्तों मामले जीरो नहीं हो जाते, या दोस्तों जब तक कोरोना की मेडिसिन दवा नहीं बन जाती, तब तक मान के चलना है आपको कि पेपर वेपर तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये वायरस काफी खतरनाक है दोस्तों। अगर आपको अकेले कोरोना हो जाता तो आप पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी बम से ज्यादा खतरनाक वायरस है। जी हाँ, बम तो एक बार दगता है और खत्म हो जाता है, लेकिन ये वायरस रोज निकलता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे देश में दोस्तों एक चैन बन जाएगी और पूरे देश में कोरोना फैल सकता है। इसीलिए सरकार ने इसको लॉकडाउन किया पूरे देश को, कि लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लोग बाज नहीं आते, जबरदस्ती करके बाहर निकलते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। अगर दोस्तों भारत सरकार ने इतना अच्छा फैसला ना लिया होता तो काफी हम दिक्कतों में होते हैं। जैसे दोस्तों अमेरिका में दोस्तों जो मामले बढ़ रहे हैं ना, वहां पर लॉकडाउन नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कुछ देश अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए जब कोरोना का कहर आएगा ना तो कोई बच नहीं पाते। इसमें बचने के दोस्तों एक ही उपाय कि आप घर पर रहिए। देखिए डॉक्टर कितने प्रोटेक्शन में रहते हैं, आपने देखा होगा ना कितने वो सावधानी से रहते हैं, तो भी दोस्तों एक छोटी सी गलती और उनको कोरोना हो जाता है। आप तो सिर्फ ऐसे खुलेआम घूम रहे मार्केट में, सोचिए आपको कितनी आसानी से कोरोना हो सकता है। याद रखिए जब आपका सामना किसी भी कोरोना पेशेंट से होगा, जी हाँ दोस्तों, फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। आप मास्क वास्क लगाएंगे तभी शायद दोस्तों एक उम्मीद है कि आप बच सकेंगे, नहीं तो दोस्तों श्योर है कि आपको कोरोना हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप घर से बाहर ना निकले तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हाँ, वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जो दोस्तों मैं कुछ विषय आपको बताएं इस पर थोड़ी अच्छी नजर बनाए रखी, ताकि दोस्तों इतने विषय अगर आपने पढ़ लिया तो दोस्तों आपके 120 नंबर तो यहाँ पक्के हो जाएंगे, बाकी दोस्तों 30 नंबर का आपका पर्यावरण अध्ययन आता है तो उसको भी आप दोस्तों पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हाँ, अगर आपके घर के पास दोस्तों कोई भी विदेश से आता है, कुछ भी देश से, सऊदी अरब हो गया दोस्तों, काफी लोग जाते हैं काम करने, नेपाल हो गया, देखिए नेपाल से भी दोस्तों कोरोना वायरस काफी वहां फैला, तो छोटे छोटे दोस्त से भी दोस्तों कोरोना वायरस आप तक पहुंच सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।